स्वागत है दोस्तों आप सभी का रिनोन रिव्यूअर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं वेलम कुंडा साई श्रीनिवास की 2019 में रिलीज हुई मूवी सीता के बारे में। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को कौन से कंपनी ने खरीदा है, और फ्यूचर में अगर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर और अगर वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होगा तो कौन से टीवी चैनल और कौन से यूट्यूब चैनल पर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। इसे दोस्तों होगा या जब भी मैं कोई अपडेट डालूंगा आप तुरंत उस मूवी को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सीता जो कि 2019 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज पर बनी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किए थे तेजा ने, जो कि बॉलीवुड मूवी में ज्यादातर सिनेमाटोग्राफर का काम करते हैं, जो कि बॉलीवुड के एक अच्छे खासे डायरेक्टर भी रह चुके हैं। दोस्तों इस मूवी में आपको वेलम कुंडा साई श्रीनिवास के साथ काजल अग्रवाल, सोनू सूद, अभिमन्यु सिंह और कोटा श्रीनिवास राव जैसे एक्टर और एक्ट्रेस आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मूवी के तमिल रीमेक भी किया गया है जिसका नाम रखा गया है इट्स माय लाइफ। तो ये मूवी रिलीज हुई थी 24 मई 2019 को। और अगर हम बात करें इस मूवी का आईएमडीबी रेटिंग का तो इस मूवी को आईएमडीबी ने 4.8 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है। तो दोस्तों यहाँ मैं बात करें इस मूवी को वेलम कुंडा साई श्रीनिवास को वॉइस ओवर दे रहे संकेत महात्रे, जो कि बहुत ही अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट है और उनकी वॉइस वेलम कुंडा साई श्रीनिवास को परफेक्टली सूट करता है। दोस्तों जैसे कि हम बात करें वेलम कुंडा साई श्रीनिवास तेलुगु मूवी के एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी 3 लगातार मूवी सुपर डुपर हिट हो चुकी है, उनमें से साक्षम, सीता और रक्षासुडु। दोस्तों इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स की अगर हम बात करें तो बहुत दिन पहले इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को आरकेडी स्टूडियो ने खरीद लिया है, और वहीं आरकेडी डुग्गल स्टूडियो ने इस मूवी की डबिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुकी है। और वहीं अगर हम बात करें मूवी को कब रिलीज किया गया, जैसे कि आप सब जानते हैं कोविड-19 के चलते जितने भी मूवीज़ की डबिंग प्रोसेस हो या फिर रिलीज प्रोसेस को उसमें होल्ड रख दिया गया है। तो यह भी बताना मुश्किल है कि इस मूवी को हम कब तक यूट्यूब पर या फिर टेलीविजन पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे कोविड-19 का वो खतरनाक केसेस जैसे जैसे खत्म होगा उसके बाद आप इस मूवी को टेलीविजन पर या फिर यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे इस मूवी से रिगार्डिंग कोई कंफर्म अपडेट हमें पता चलता है तो हम आपको जरूर वीडियो के जरिए नोटिफाई करेंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में।